आ गया, पानी पीने गया देख, ये तीन भाग आ गए, तीन क्या करें, नीचे बुलाए इनको, चुप 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 चुप, बाहर ही तेंदुआ है, तेंदुआ तेंदुआ है, वो तेंदुआ है, तीन है, तीन है, तीन भाग है, तीन है, तीन एक ऊपर है, ऊपर हमें देख रहा। पौड़ी गढ़वाल के रिखणीखाल ब्लॉक में बाघों तेंदुओं का आतंक अब इस कदर बढ़ चुका है कि दिन दहाड़े ही ये आवासीय इलाकों की ओर घूमते नजर आ रहे हैं। अभी फिर एक और वीडियो पौड़ी गढ़वाल जिले के ही रिखणीखाल ब्लॉक से सामने आ रहा है, जहां कुछ स्थानीय लोगों के गाड़ी के सामने अचानक तेंदुआ पड़ा। देखते ही देखते तेंदुआ सीधी पहाड़ी पर चढ़ गया। पौड़ी गढ़वाल से आए दिन इस प्रकार से तेंदुओं, गुलदार और बाघ की वीडियो सामने आ रही है। इन खूंखार जानवरों के भय से अब लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं, जिसके चलते पौड़ी प्रशासन द्वारा गांव में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही क्षेत्र में धारा 144 भी लागू है। इसके साथ ही इन सभी गांवों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी 21 अप्रैल तक बंद रखा गया है, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी बाघ नहीं पकड़ा जा सका। पौड़ी जिले के रिखणीखाल ब्लॉक के अंतर्गत डल्ला गांव में 13 अप्रैल की शाम को खेत में काम कर रहे वीरेंद्र सिंह को बाघ ने अपना निवाला बना लिया था। उसके बाद से लगातार बाघ की मूवमेंट इस इलाके में बनी हुई है। इस घटना से लोगों में दहशत कम नहीं हुई थी कि उसके तुरंत बाद ही पौड़ी जिले के अंतर्गत नैनी डांडा ब्लॉक के भेड़गांव पट्टी बुंगी में बाघ ने सेवानिवृत्त शिक्षक रणवीर सिंह नेगी को अपना निवाला बना दिया, जिसके बाद वन विभाग ने क्षेत्र में बड़ी संख्या में वन कर्मचारियों को तैनात कर दिया है। ड्रोन कैमरे से भी पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। वहीं इस मामले में गढ़वाल वन प्रभाग के DFO स्वप्निल अनिरुद्ध ने क्षेत्रवासियों से सतर्कता बरतने और अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। इस मामले में बताया जा रहा है कि बीते सोमवार शाम 4 बजे तक ट्रैंक्विलाइज गन की रेंज से बाहर होने के कारण बाघ को बेहोश नहीं किया जा सका। वह पिंजरे के पास तो आ रहा है, लेकिन अंदर नहीं जा पा रहा है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।